100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए। अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे। इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों। और आप किससे मुकाबला करने चले? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फब्तियां कसी जा रही है, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। ये आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करने करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए, इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए। अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे। इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों। और आप किससे मुकाबला करने चले? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आप
आपकी नफरत और आपकी खुद सिद्ध राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल उसका जमीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए बौखलाए डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।